बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड की धर्म नगरी हरिद्वार के नवोदय नगर से। नवोदय नगर हरिद्वार में कैंडल मार्च निकालकर जताया आक्रोश, लगाए इंसाफ की मांग किनारे। पर्वतीय बंधु समाज समिति के अध्यक्ष महावीर गुसाई के नेतृत्व में नवोदय नगर के प्रबुद्धशाली लोगों द्वारा आज पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पीली टंकी से नवोदय गोल चौक तथा कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही मुख्यमंत्री हाय हाय हत्यारों को फांसी, दो सैकड़ों लोगों का हुजूम, काफी गुस्से में दिख रहा था क्योंकि अनाचार अत्याचार जब जब भी सीमा से बाहर हुआ है तब तब भारत की जनता की एकजुटता देखने को मिलती है। हरिद्वार में चल रहे अवैध स्पा सेंटरों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई है क्योंकि बात एक बेटी की है। बेटी तो बेटी होती है, उसके माता पिता ने भी काफी अरमान सीने में छुपा रखे होंगे क्योंकि इतने लाड़ प्यार से माँ बाप अपनी संतानों को पालते हैं। सत्ता का ऐसा गुरूर किस काम का जो नारी समाज को वैश्यावृत्ति के दलदल में जाने के लिए विवश करे। यह बात लोगों में चर्चा का विषय है। हालांकि धामी जी ने अंकिता के पिताजी से बात कर एक आत्मीयता का उदाहरण पेश किया है जो कि अविस्मरणीय रहेगा। कैंडल मार्च में ऐसे तमाम लोग नहीं देखे जो कि खुद को बेहद महत्वपूर्ण समझते हो। आज कैंडल मार्च में दीपक नोटियाल, समाज सेवी बलवंत राज रावत, सचिव वरिष्ठ समाज सेवी आनंद सिंह, केवल सिंह, मान सिंह, रंजीत सिंह, जितेंद्र रावत, मनीराम भट्ट, मुकेश रावत, सुरेंद्र भंडारी, एस कंडारी, दिनेश पांडे के साथ ही अनगिनत लोग उपस्थित रहे। सर्व समाज द्वारा बेटी अंकिता कंडारी को कैंडल मार्च के उपरांत अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई तथा महावीर गुसाई अध्यक्ष ने कहा कि जिन दरिंदों ने अंकिता भंडारी के साथ में यह काम किया है उनको जब तक फांसी नहीं होगी तब तक वह पर्वतीय बंधु समाज प्रयासरत रहेगा। शिवालिक नगर में आज शाम प्रबुद्धशाली नागरिकों में शिवालिक नगर चौराहे से 2 किलोमीटर तक कैंडल मार्च कर अंकिता भंडारी के मुजरिम को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रशासन दबाव बनाने के लिए आंदोलन में भाग लेने की अपील की और मुजरिम को कड़ी सजा, फांसी की सजा देने की मांग की गई। कैंडल मार्च का नेतृत्व आर के चतुर्वेदी, रीता चमोली, अभिलाषा, रीना तोमर, सुमन पंत, मंजू नोटियाल, देवेंद्र चौहान, केदार रावत, ललित जोशी, किरण झा, विमल रोथाड़, नवीन भट्ट, बलराम नोटियाल आदि उपस्थित रहे। हरिद्वार से विशेष संवाददाता की रिपोर्ट।